हेलो गाइस, वेलकम टू रिस्टॉक। गाइस, टुडेस टॉपिक एक ऐसा बंदे के बारे में है जिसको क्रिकेट दुनिया में बादशाह के नाम पे पुकार जाता है और उसकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में लाखों करोड़ों में फैला हुआ है, जिनकी इंस्टाग्राम हैंडल पे 222 मिलियन फॉलोअर्स के साथ इंडिया में टॉप 1 एंड वर्ल्ड में टॉप 17 रैंक पे मोस्ट फॉलोड इंस्टाग्राम हैंडल इन द वर्ल्ड के लिस्ट पे आता है। 2020 के फॉर्ब्स हाइस्ट पेड एथलीट्स के मैगजीन पे भी लिस्टेड हो चुके हैं। विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 8.9 करोड़ रुपया चार्जेस करते हैं। वो ग्रेड ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट के साथ बीसीसीआई द्वारा परिचालित एनुअल सैलरी दिया जाता है। क्रिकेट के साथ साथ ब्रांड एंडोर्समेंट, एडवर्टाइजमेंट, स्टार्टअप पे भी इन्वेस्ट करते हैं और इस वजह से आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को टक्कर देने में उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल मैटर करता है। विराट कोहली एक ऐसा शख्स है जिनका लग्जरियस लाइफस्टाइल आज हर कोई जीना चाहते हैं। अगर आप भी विराट कोहली का फैन हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलेगी और विराट कोहली के ऊपर और भी वीडियोस बनाएंगे। विराट कोहली ने 11 दिसंबर 2017 इटली में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ किया गया वेडिंग की एक कीमती वेडिंग में से एक है। इस इंडियन क्रिकेटर का नाम ही अपने आप एक ब्रांड है। ये बैट्समैन आज अपने करियर के उस मुकाम पर खड़ा है जहां पहुंचना उतना आसान नहीं है किसी और क्रिकेटर्स के लिए। तो आइए डिस्कस करेंगे विराट कोहली टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट्स जो उनके लाइफ को लग्जरियस के साथ साथ थर्ड रिचेस्ट क्रिकेटर बनाने में कामयाब रही। सो लेट्स स्टार्ट। 10th नंबर पर है विराट कोहली की एक्सपेंसिव रोलेक्स डेटोना रेनबो एवररोज गोल्ड वॉच। गाइस, विराट कोहली महंगी महंगी वॉचेस की शौकीन है और उनकी वॉचेस कलेक्शन में काफ़ी महंगी महंगी वॉचेस भी है। इनकी कंप्लीट वॉच कलेक्शन की प्राइस 10 करोड़ से भी ऊपर है। रोलेक्स डेटोना रेनबो एवररोज गोल्ड की कीमत लगभग 87 लाख रुपीस है। विराट कोहली दिखने में जितना स्टाइलिश है, उनकी वॉचेस कलेक्शन भी उतना ही स्टाइलिश के साथ साथ एक्सपेंसिव है और विराट कोहली इस वॉचेस के साथ बहुत सारे तस्वीर एंड वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। नेक्स्ट आता है कार कलेक्शन ऑफ विराट, जिनमें से ऑडी RS5 कूपे विराट्स ऑडी गैरेज में से एक एक्सपेंसिव कार है। ये कार 9th नंबर पर आता है विराट्स मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट्स में से। किंग कोहली एक कार लवर भी है। एक से बढ़कर एक लग्जरी कार्स हमको देखने को मिलेगी उनकी गैरेज में और उनकी कार गैरेज में ज़्यादातर गाड़ी ऑडी ही है, क्योंकि विराट ऑडी गाड़ियों की ज़्यादा पसंद करते हैं और वो खुद ऑडी की ब्रांड एम्बेसडर भी है। उनकी कंप्लीट गैरेज ऑडी कार कलेक्शन की कीमत है 80 करोड़ रुपीस। ऑडी RS5 कूपे की प्राइस है 1 करोड़ 11 लाख रुपीस है। गाइस, विराट कोहली जैसा आप भी अपना ड्रीम कार को कमेंट में बताओ। 8th नंबर पर है रेंज रोवर लैंड रोवर वॉग। रेंज रोवर वेलकम हुआ था उनकी फैमिली पे 2018 में और कार की कीमत अराउंड 2.7 करोड़ रुपीस है। आजकल हर सेलिब्रिटीज के पास एटलीस्ट एक रेंज रोवर होता है और उससे ज़्यादातर लोगों ने उसकी अमेजिंग फीचर्स के लिए पसंद करते हैं और ये 0 से 100 तक की स्पीड को 8.5 सेकंड में पकड़ लेता है। कोहली का जर्सी का नंबर पे ये कार नंबर रजिस्टर हुआ है। 7th नंबर पर है किंग कोहली ओन्ड एक लग्जरियस कार बेंटली फ्रैंक स्पोर्ट। ये एक 4-door लग्जरी सैलून है। इस कार का कलर है डीप ब्लू। लो लाइटिंग के वजह से कार ब्लैक दिखती है और इस कार के साथ विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का ने एयरपोर्ट पे कुछ फोटोज एंड वीडियोस में देखने को मिलता है। कार की लग्जरियस फीचर के वजह से आप लोगों को अंदाजा हो गया कि ये कोई छोटी रकम वाली कीमत नहीं है जिसको करोड़पति लोगों ने ही अफोर्ड कर सकते हैं। 3.7 करोड़ वाला कार को 2019 में उनकी गैरेज पे ऐड किया गया था। 6th रैंक पे है वॉक्सवैगन ग्रुप की बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी कार शामिल है। ये एक शानदार गाड़ी है जिसको ड्राइव करने पे आपको लग्जरियस का टॉप फीलिंग होगी। कार रजिस्टर्ड हुआ है विराट्स ब्रदर नेम विकास कोहली पे।
एंड उसकी जो सेकंड ओनर तौर पर विराट का नाम है। कार ज़्यादातर टाइम दिल्ली पे ही रहता है एंड वो जब दिल्ली विजिट के लिए जाते हैं ड्राइव का मज़ा लेने के साथ साथ उसकी मॉडर्न डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी भी लग्जरीज को बूस्ट करता है और एक ऑटोमोबाइल राइड फीचर्स भी अवेलेबल है कपल ऑफ ओकेजन्स के लिए। इन्होंने इस कार को अपना प्रोफेशनल पर्सनल एंड फैमिली के काम के लिए यूज करते हैं। विराट का गैरेज में इस लग्जरियस कार का प्राइस 4,60,00,000 रुपीस है, जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनका लाइफस्टाइल कितने अच्छा तरह से जीते हैं। 5th नंबर पर है विराट्स आलिशान फ्लैट घरसुबा फ्लैट मुंबई। गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा विराट कोहली दिल्ली में पैदा हुए हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट दिल्ली के लिए खेल चुके हैं। ऑब्वियसली दिल्ली में उनकी बड़े बड़े लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव फ्लैट्स एंड बंगलास भी है, लेकिन शादी के बाद विराट एंड अनुष्का दोनों ने मिलकर मुंबई पर रहते हैं और उन्होंने कुछ महंगी और आलिशान फ्लैट भी खरीद चुके हैं। घरसुबा फ्लैट इनमें से एक है। ये फ्लैट 3 BHK फ्लैट विशिष्ट है, जिनमें से 3 बेडरूम के साथ साथ एक हॉल एंड एक किचन और एक बेडरूम के लिए अपना अपना टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स भी है। मुंबई में 6,000 स्क्वायर फुट फैला वाला इस फ्लैट एक लग्जरियस फ्लैट है। फ्लैट का प्राइस के ऊपर आंख टहल तो ये प्रॉपर्टी करीबन 10 करोड़ रुपीस है। हालांकि अब वो इस अपार्टमेंट में इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, भले ही उनके और उनकी पत्नी दोनों के पास सेम बिल्डिंग में कपल ऑफ द सेम अपार्टमेंट्स भी है। शादी के बाद वो उस लग्जरियस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया और इस तरह इस अपार्टमेंट को उपयोग नहीं किया गया है। 4th नंबर पर है विराट्स फैशन ब्रांड रॉन। कुछ एथलीट्स के पास खुद का ओन फैशन ब्रांड ही है, इनमें से विराट कोहली एक है। विराट कोहली अपने लुक्स स्टाइलिश एंड हैंडसम के वजह से बहुत सारे यूथ उन्हें फॉलो करते हैं और उसके ओन फैशन ब्रांड को इस्तेमाल भी करते हैं। उनके पास कुछ यूनिक टैलेंट्स होने के साथ साथ देखने में बहुत हैंडसम हॉट लगते हैं, इसीलिए उनके रोल मॉडल भी ज़्यादातर लोग मानते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि विराट अपने इंटरव्यूज टीवी शोज एंड एंडोर्समेंट में रॉन की ब्रांड को प्रमोट के लिए उसे पहन के आते हैं। उसके साथ साथ वो पुमा फैशन ब्रांड को भी प्रमोट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोहली खुद का स्टाइल मेंटेन करना पसंद करते हैं और वो एक स्टाइलिश आइकॉन भी है और उन्होंने इन्वेस्ट किया है 13.2 करोड़ उनकी बहुत फेमस ब्रांड रॉन के साथ, जहां वेरियस स्टाइलिश एंड क्वालिटी वाले ग्राफिक टी शर्ट्स लाइटवेट डेनिम जैकेट्स वन विथ कॉफ्ड चिनोस एंड जीन्स डेनिमी फुटवेयर्स आदि। इस लेबल का कलेक्शन मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होता है। विराट ने ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी किया है। ये तो हो गई फैशन ब्रांड। इसके बाद उनके पास खुद का एथलेजर ब्रांड, जिसको हमें स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ब्रांड के नाम से जानते हैं, और वो है 18 ब्रांड। जर्मन स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ब्रांड पुमा का कोलैबोरेशन से 18 ब्रांड को लॉन्च किया गया है। रॉन कंपनी की नेटवर्थ है 112 करोड़ रुपीस। 4th नंबर पर आता है विराट्स ओन फुटबॉल क्लब FC गोवा इन ISL। विराट कोहली क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते हैं। दुनिया की सबसे पॉपुलर गेम में से फुटबॉल एक है और क्रिकेट के बाद विराट कोहली ह्यूज फैन है फुटबॉल का। उन्होंने पब्लिकली रूप से पेप गार्डियोला एंड सुनील छेत्री जैसे लोगों के साथ गेम के प्रति अपने प्यार के बारे में बात की है। विराट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज हिज फेवरेट फुटबॉल प्लेयर। वो 2013 में कंपटीशन की शुरुआत के बाद से फ्रेंचाइज के मालिक रहे हैं। करेंटली स्टेक होल्डर है टीम में 33 करोड़ का। FC गोवा पहला इंडियन फुटबॉल क्लब बन गया जो फरवरी 2020 में AFC चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया। FC गोवा फ्रेंचाइज की नेटवर्थ है $4.24 मिलियन, यानी कि INR में 34,76,500,800 रुपीस। 2nd नंबर पर आता है विराट्स अनदर एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस अपार्टमेंट मुंबई अपार्टमेंट।
ये वो घर है जहां विराट, अनुष्का शर्मा एंड उनकी बेटी भामिका के साथ रहते। जब विराट कोहली ने अपनी शादी के बाद घर खरीदा था, प्राइस टैग एंड इंटीरियर ने इंटरनेट पर हल्ला मचा दी। लगभग 34 करोड़ रुपए की कीमत वाला ये फ्लैट मुंबई के वल्ली में ओमकार 1973 टावर्स की 35th फ्लोर पर सिचुएटेड है। 7171 स्क्वायर फीट के टोटल एरिया के साथ फ्लैट अरेबियन सी के ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफर करती है। ये 4 बेड वाला लग्जरी पैड एक खुले आसमान का बंगला है, जिसे कोहली के स्वाद के अनुसार कस्टमाइज किया गया है और ये क्लियरली विराट के ओन्ड सबसे एक्सपेंसिव थिंग्स में से एक है। इस अपार्टमेंट की प्राइस अंदाज आप एक्यूरेट नहीं लगा पाते हो, क्योंकि ये है ना कीमती वाला अपार्टमेंट से एक है। किंग कोहली का इस अपार्टमेंट की प्राइस है 34 करोड़ रुपीस। फर्स्ट नंबर पर है किंग कोहली मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस गुरुग्राम बंगलो। विराट कोहली के ओन्ड वाले सबसे एक्सपेंसिव थिंग्स में से एक दिल्ली एनसीआर में एक बंगला है। विराट कोहली ने अपना अधिकांश टाइम वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर एरिया में बड़े होने में बिताया है। गुरुग्राम के केंद्र में स्थित इस भव्य बंगलों की कीमत 8 करोड़ रुपया है, जो सिटी के DLF फेज 1 में लोकेटेड है। घर में लकड़ी के फर्नीचर और ग्लास की दीवार के साथ एक अट्रैक्टिव ड्राइंग रूम भी है। इसमें एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ मार्ग, एक विचित्र बार और 500 स्क्वायर यार्ड्स में एक विशाल लिविंग रूम भी है। इसके साथ साथ एक अमेजिंग व्यू वाला स्विमिंग पूल एंड खुद को फिटनेस रखने के लिए अट्रैक्टिव जिम भी है।